मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के अंदर मैं देख रहा था तो कल कल या परसों के सेशन में काफ़ी लोगों ने पी दिया था और फिर स्टॉक्स कैप ऑफ उप ओपन हुआ था ओपन हाई बनाया था और वापस से स्टॉक के अंदर थोड़ी पिटाई होने लगी थी लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से आप लोग देखोगे तो, तो स्टॉक के अंदर हमें डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है अब बड़ी टाइम फ्रेम का अगर मैं पिक्चर यहाँ पर देख रहा हूँ तो आप लोग देखोगे तो मेट्रोपोलिस वंस अपॉन अ टाइम थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी काफ़ी लोअर लेवल पे ये स्टॉक्स आ गया है और सभी टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ तो यहाँ पर इतना क्लियरली देखने को मिल रहा है कि आई थिंक जितनी खराबी ये स्टॉक के अंदर होनी थी ना वो आई थिंक हो चुकी बट हाँ एक बार स्टॉक के फंडामेंटल्स देखने बहुत ही जरूरी तो ये जो मेट्रोपोलिस आप नाम से ही समझ गए होंगे कि हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है ठीक है और हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और आप लोग देखोगे तो फिफ्टी फाइव के आसपास का कुछ ई मल्टीपल है राइट तो स्टॉक्स नो डाउट ये ये भाव पे भी थोड़ा महंगा है बट हेल्थ केयर वाले सभी स्टॉक्स आप देखोगे ना तो इतने भी मल्टीपल के ऊपर आपको मिलेंगे सस्ता स्टॉक्स बहुत ही शायद ही आपको मिलेगा तो मेरे हिसाब से अभी जिस तरह के का चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है और जिस तरह का प्राइज एक्शन हो रहा है और वंस अपन अ टाइम ये स्टॉक्स थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तक गया था और अभी सिर्फ वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड टी सेवन पर हमें मिल रहा है तो हायर लेवल से आप लोग देखोगे तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है फिफ्टी एट परसेंट का डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो मेरे हिसाब से बाय करने का हमारा सोच होना चाहिए सो मेट्रोपॉलिस हेल्थ केयर के अंदर एवरी डिक्लाइन इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी बट हमें कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही हमें काम करना है ये स्टॉक के अंदर तो करंट मार्केट प्राइस 1457 जो करंट मार्केट प्राइस आपको देखने को मिल रही है सो करंट मार्केट प्राइस पर ही मैं आपको क्या सजेशंस देता हूं कि यहां पर ही आपको 50 परसेंट क्वान्टिट्टी बाय कर लेनी है तो आप बाय कर सकते हो और यहाँ से और भी थोड़ा डाउनफॉल हमें देखता है तो वो भी हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही मुझे देखने को मिल रही है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टीन वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ के आसपास अगर ये स्टॉक्स आपको देखने को मिलता है तो अनदर फिफ्टी परसेंट क्वान्टिट्टी फिर वहाँ पर बाय करनी चाहिए और फिर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ का तो मेट्रोपोलिस एवरी डिक्लाइन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी और जिस तरह से मैंने आपको बताया है लोअर लेवल पे भी आपको बताया है एग्जैक्टली exactly उसी तरह से आप लोगों को बाय करना है तो और करंट मार्केट प्राइस पर भी 50 परसेंट इसीलिए बोला है कि ये स्टॉक्स हमारे रडार से छूटना नहीं चाहिए अब जो लोगों को लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अगर बाय करना है ये स्टॉक को तो उसके लिए बायो डिप्स तक है वन थाउजेंड वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड तक बायोन डिप्स है तो उन लोगों को मैं थोड़ा अलग एडवाइस दे रहा हूँ ये पहली एडवाइस हो गई वो अग्रेसिव खिलाड़ी के लिए थोड़ा कंजर्वेटिव और थोड़ी लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अगर आपको बाइंग करना है तो आपको क्या करना है वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ़्टी सेवन से लेके मतलब करंट मार्केट प्राइस जो है वहाँ पर एटलीस्ट थर्टी परसेंट क्वान्टिटी आपको बाय कर लेनी है अनंतर थर्टी परसेंट क्वांटिटी आपको बाय करनी है समवेयर अराउंड वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी रुपीज़ वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी रुपीज़ के आसपास अनंतर थर्टी परसेंट क्वान्टिटी आप बाय करो बाकी का फोर्टी परसेंट क्वान्टिटी आपको बाय करना है समवेयर अराउंड वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी रुपीज़ के आसपास और फिर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड नाइन्टी रुपीज़ सो मेट्रोपोलिस एवरी डिक्लाइन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी चार्ट के स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं इम्प्रूवमेंट रहा है और हायर लेवल पर मोर देन फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट भी अवेलेबल है तो काम किया जा सकता है वेल्यूशन इतने सस्ते भी नहीं हैं बट तो जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप लोगों को काम करना है तो आप ज़रूर से काम कर सकते